प्रदेश सरकार का वर्तमान कार्यकाल प्रदेश के दूरदराज के गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने से जाना जाएगा। ये बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने चौहारघाटी की ग्राम पंचायत बलटिकर में लाखों की योजनाओं को जनता को समर्पित करने के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कही। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने चौहारघाटी की ग्राम पंचायत बलटिकर में लाखों की योजनाएं जनता को समर्पित की। स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले अपग्रेड किए गए उच्च पाठशाला बल को जनता को समर्पित किया। उन्होंने टिक्कर गांव में 35 लाख की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना रोपा टिल्ली टिक्कर किसानों को समर्पित की। उन्होंने टिक्कर से सरनी नव निर्मित सड़क को भी जनता को समर्पित किया। इस सड़क के निर्माण पर 15 लाख की राशि खर्च की गई है। उन्होंने 16 लाख की लागत से बने 2 मंजिला उप स्वास्थ्य केंद्र भवन को भी जनता को समर्पित किया। उन्होंने 10 लाख लागत से बने सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवन सरनी का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सरनी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का वर्तमान कार्यकाल प्रदेश के दूरदराज के गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि द्रंग चुनाव क्षेत्र की चौहारघाटी के हर बड़े गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। यह तभी संभव हुआ है जब चौहारघाटी क्षेत्र को सेंचुरी एरिया से बाहर किया गया। उन्होंने कहा कि सड़कें लोगों के भाग्य की रेखाएं होती है। द्रंग क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के पीछे उनकी प्राथमिकता लोगों के पीठ के बोझ को उतारना रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के माध्यम से द्रंग में विकास करवाकर उन्होंने इस क्षेत्र को पूरे प्रदेश में एक मॉडल क्षेत्र का रूप प्रदान किया है। आप लोगों को उपलब्ध कराई जिसमे 35 लाख रुपया खर्च किया गया है, वो भी आप लोगों को हमने समर्पित किया। उसके बाद जो सड़क आपकी यहाँ तक बनी है, 15 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ है। और एम्बुलेंस रोड जो है 5 से 5 हो गई है। जब भी कभी कोई भाई बीमार होगा, बहन बीमार होगी, 108 पे टेलीफोन करेंगे, आपकी एम्बुलेंस मोड जो है आपके गांव में पहुंचेगी। ये सुविधा भी आज आपको उपलब्ध हुई है। हमने उसका दर्जा बढ़ा करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर कर दिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिछली बार में आया था, उसके भवन का उद्घाटन किया। आज सरनी में जो स्वास्थ्य केंद्र बना है उसमें भी 16 लाख के करीब खर्च हुआ है। अभी एक्शन साहब कह रहे थे कि 4 लाख रुपया इसमें और लगेगा, पूरी बाउंड्री वॉल इसमें लगेगी, कुछ ऊपर से पौड़ियां नीचे तक बनेगी, उसके लिए मैं 4 लाख रुपया और मंजूर करने की घोषणा करता हूं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम आपका स्कूल जो है इसको फिर 10.2 करेंगे। आज इसका भी विधिवत तौर पर उद्घाटन हुआ है, यहाँ के बच्चों के लिए समर्पित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा इनको मिलेगी, घर के नजदीक शिक्षा मिलेगी और ये बच्चे जो है आगे जाकर के प्रदेश और देश की सेवा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में 5000 अध्यापकों के पदों को भरने की सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्वास्थ्य मंत्री ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरनी के बच्चों को 15000, प्राथमिक पाठशाला सरनी के बच्चों को 2000 की राशि देने की घोषणा की। के चैनल के लिए कृष्ण भोज की रिपोर्ट।